Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Smart Education YouTube channel. Now we discuss about the biochemistry. देखें biochemistry जो chapter है ये class matric के अंदर भी chapter पढ़ाया जाता है, class 12th के अंदर भी ये पढ़ाया जाता है, FSC में और SS में. अब biochemistry ये biology के अंदर biological molecule के नाम से पढ़ाया जाता है. वही सेम टॉपिक है, वही सेम चैप्टर है, उसी सेम चैप्टर के अंदर वही सेम टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं. कौन कौन से यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे लिपिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हम यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज़ द बायोकेमिस्ट्री. देखें कि बायोकेमिस्ट्री दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन से, एक बायो वर्ड्स का, दूसरा केमिस्ट्री वर्ड्स का, इस दो वर्ड्स का क्या है कि ये कॉम्बिनेशन से. अब क्वेश्चन होता है कि बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है. देखें बायो मींस लाइफ एंड केमिस्ट्री मींस केमिकल रिएक्शंस. अब कौन से केमिकल रिएक्शंस लाइफ के अंदर, तो इसी दो वर्ड से हमने एक डेफिनेशन बनाई है कि बायोलॉजी जो बायोकेमिस्ट्री होती है ये क्या होती है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. ये क्या होती है, एक ब्रांच होती है किसकी, केमिस्ट्री के, इन विच स्टडी अबाउट द दोज केमिकल रिएक्शंस. कौन से केमिकल रिएक्शंस, विच टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनाइजम्स आर नोन एज अ बायोकेमिस्ट्री. आप बायोकेमिस्ट्री के अंदर ये पढ़ते हैं कि जो कौन से उन केमिकल रिएक्शंस के बारे में जो केमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनाइजम्स के अंदर होते हैं, मतलब कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, आरएनए के अंदर रिएक्शंस होता है एक, साइटोप्लाज्म्स वगैरह या रिस्पायरेशंस वगैरह या फोटोसिंथेसिस वगैरह या जो भी डाइजेशंस वगैरह, जो भी प्रोटीन्स वगैरह जो ये मसल्स को ग्रो करते हैं, मसल की फार्मेशंस करते हैं, ये सारे क्या है, केमिकल रिएक्शंस हैं. इसी की दूसरी डेफिनेशन से कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी अबाउट दोज कंपाउंड्स विच कम्स फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनाइजम्स. उन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करना जो कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनाइजम्स से बनते हैं या लिविंग ऑर्गेनाइजम्स के अंदर मौजूद होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करना, तो हमारे पास क्या कहलाएगी, बायोकेमिस्ट्री कहलाएगी. अब देखें कि क्या हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, हम ये डिस्कस करेंगे उन कंपाउंड्स की कंपोजिशंस क्या है, मतलब कि कंपोजिशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उन कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब कि स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स, उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उन कंपाउंड्स के केमिकल रिएक्शंस क्या है, उनके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो हमारे पास क्या कहलाएगी, एक बायोकेमिस्ट्री कहलाएगी. अब आते हैं इस बायोकेमिस्ट्री के अंदर टोटल जो हमारे पास टॉपिक्स होते हैं जो डिस्कस यहाँ पे करेंगे. नंबर वन हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. नंबर टू यहाँ पे आप लिपिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. नंबर थर्ड यहाँ पे प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर, प्रोटीन की फॉर्मेशन, प्रोटीन के वर्क फंक्शन जो होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. उसके बाद न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, आरएनए डीएनए के बारे में डिस्कस करेंगे. नंबर वन जो हमारे पास है वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या कहलाते हैं. देखें जो टॉपिक हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, दो वर्ड्स, एक हाइड्रेट्स मींस वाटर, दूसरा कार्बन, के कार्बोहाइड्रेट्स क्या कहलाते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स एक हमारे पास पॉलीहाइड्रोऑक्सी कंपाउंड्स हैं. कौन से कंपाउंड्स, एक पॉलीहाइड्रोऑक्सी क्या होते हैं कि ये कंपाउंड्स होते हैं विच कंटेन एक एल्डिहाइड और कीटोन, जो दो ग्रुप कंटेन करते हैं, या तो उनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप होगा या तो उनके अंदर कीटोन ग्रुप होगा. आप उसको नाम देंगे किसका, एज अ कार्बोहाइड्रेट्स का नाम देंगे. अब देखें याद रखें, अगर उस कार्बोहाइड्रेट्स में एल्डिहाइड होगा तो आप उसको नाम देंगे किसका, एज अ अल्डोज का नाम देंगे. अगर उसके अंदर कीटोन ग्रुप होगा आप उसको नाम देंगे किसका, एज अ कीटोज ग्रुप का नाम देंगे. जैसे हेक्सोज होता है, पेंटोज होता है, ऑक्टोज होता है, ये क्या होते हैं कि इनके अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, फ्रक्टोज है, या सक्रोज को हम कहते हैं, हेग्स अल्डोज का नाम देते हैं शुगर को, क्योंकि शुगर के अंदर क्या होता है, या जो हमारे पास ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के अंदर भी क्या होता है, एक अल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो इस वजह से हम इसको हेग्स अल्डोज का नाम देते हैं. तो ये बात याद रखें कि कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब होता है पॉलीहाइड्रोऑक्सी कंपाउंड्स विच कंटेन एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप आर नोन एज अ कार्बोहाइड्रेट्स.
अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इन कार्बोहाइड्रेट्स को जब हम क्या करते हैं कि क्लासिफाइड करते हैं, तो ये दो कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाइड हो जाते हैं। जो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स के दो टाइप्स होते हैं। एक को आप नाम देते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, एक को आप नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जिनमें एक मोनोसैकेराइड्स आता है, दूसरा डाइसैकेराइड्स आता है, और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें एक आता है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगो मीन्स फ्यू, सैकेराइड सैक्रम वर्ड से निकला हुआ है, सैक्रम का मतलब होता है शुगर, जिनके अंदर फ्यू शुगर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे के प्रेजेंट होंगे, जैसे कि हमारे पास ये माल्टोज एग्जांपल है, ये डाइसैकेराइड्स का लैक्टोज हो गया, ये मोनोसैकेराइड्स का ग्लूकोज हो गया, सेम ये पॉलीसैकेराइड्स, पॉली मीन्स मेनी, सैकेराइड्स मीन्स शुगर्स, जिसके अंदर मेनी शुगर मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड होंगे, जैसे कि फाइबर्स होते हैं, जो फैब्रिक्स होते हैं, या सेल्यूलोज होता है, या ये जो हमारे पास ये सेल के अंदर सेल्यूलोज सेल वाल, ये क्या है एक पॉलीसैकेराइड्स हैं। तो आप इनको नाम दे सकते हैं कौन से, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का आप इनको नाम देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सिंपल में से मोनोसैकेराइड्स की, कि व्हाट इज़ द मोनोसैकेराइड्स क्या कहलाएगा। अब देखें कि मोनोसैकेराइड्स हम किसको कहते हैं, यहाँ पे भी हमने मोनोसैकेराइड्स के अंदर दो वर्ड्स हमने एक्स किए हैं। एक वर्ड्स हमने रखा है मोनो, मोनो मीन्स वन, मोनो का मतलब क्या होता है एक। दूसरा वर्ड्स हमने रखा है सैकेराइड्स, सैकेराइड्स वर्ड सैक्रम से निकला हुआ है, और सैक्रम का मतलब क्या होता है शुगर, इस सैक्रम का मतलब क्या है कि शुगर। इस वर्ड से आप समझें वो कार्बोहाइड्रेट्स जिन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर वन शुगर मॉलिक्यूल्स कंटेन होगा, हम उसको नाम देंगे किसका, एज मोनोसैकेराइड्स का नाम देंगे। मोनोसैकेराइड्स हैव ओनली वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ओनली वन शुगर मॉलिक्यूल्स कंटेन, इज नोन एज मोनोसैकेराइड्स। ये जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं ये 3 कार्बन से लेकर 9 कार्बन तक इनकी चेन होती है, मतलब कि एक 3 कार्बन्स, जैसे कि 3 कार्बन्स को क्या कहते हैं, 1 कार्बन्स को मिथ इथ प्रोप, तो प्रोपेन अल्डिहाइड भी होगा, प्रोपेन जो क्योंकि हर इसके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी लाजमी होंगे, तो प्रोप अल्डिहाइड भी हो सकता है, प्रोप कीटोन भी हो सकता है, लेकिन उसमें कीटोन ग्रुप में उसमें अल्कोहल ग्रुप लाजमी होगा कि जिसको आप नाम दें किसका, एज मोनोसैकेराइड्स का नाम देंगे। उन मोनोसैकेराइड्स को जो आप टाइप्स हैं, ये मोनोसैकेराइड्स 3 to 9 जो कह रहा हूँ, ये टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से होते हैं, स्टार्ट 3 कार्बन से ख़त्म 9 कार्बन तक होते हैं। तो जैसे कि प्रोपेन है, तो आप इसको प्रोप अल्डोज भी कह सकते हैं, अगर अल्डिहाइड होगा उसके अंदर, तो आप उसको प्रोप जो है वो कीटोज भी कह सकते हैं, अगर कीटोन ग्रुप उसके अंदर कनेक्टेड होगा। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड्स होते हैं। इनकी जो हमारे पास क्या होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये कार्बन और ये दूसरा कार्बन्स, ये थर्ड कार्बन्स, अगर इसमें क्या है कि अल्डिहाइड ग्रुप कनेक्टेड है, एक अल्डिहाइड ग्रुप इसके अंदर होगा, एक इसमें आपने हाइड्रोजन्स कनेक्टेड की, सेकेंड ग्रुप के साथ क्या होगा अल्कोहल मॉलिक्यूल्स होगा, यहाँ पर अल्कोहल होगा, और इसमें भी क्या होगा एक अल्कोहल ग्रुप कनेक्टेड होगा, बाकी इसके साथ दो हाइड्रोजन्स के साथ दो हाइड्रोजन्स, ये हो गया एक मोनोसैकेराइड्स। अगर कीटोन में होगा तो कीटोन में ये कार्बन और ये कार्बन्स, इस कार्बन के साथ ये कीटोन ग्रुप कनेक्टेड है, इसके साथ ये OH ग्रुप कनेक्टेड होगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन्स, ये भी हाइड्रोजन्स, यहाँ पे OH ग्रुप कनेक्टेड होगा और दो हाइड्रोजन्स होगी, ये क्या हो जाएगा एक प्रोप कीटोज हो जाएगा, लेकिन क्या है एक मोनोसैकेराइड्स मॉलिक्यूल से जिसके अंदर वन क्या है कि सैकेरम ग्रुप कनेक्टेड होता है, हम उसको कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। अब ये जो टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से आप इनको करते हैं, जैसे कि अगर वो मोनोसैकेराइड्स जिसके अंदर 3 कार्बन्स होंगे, हम उसको नाम देते हैं ट्राईओज का नाम देते हैं, जैसे कि पेंटोज कह रहा था ना, उसको आप क्या नाम देंगे ट्राईओज का नाम देंगे। अगर जिसके अंदर 4 कार्बन्स हैं, हम उसको कहते हैं ट्रेट्रोज का नाम देते हैं। अगर 5 कार्बन्स हैं, हम उसको कहते हैं पेंटोज का नाम देते हैं।
अगर सिक्स कार्बन से उसको कहेंगे हेक्सोज, अगर सेवन से आप उसको कहेंगे हेप्टोज का नाम देंगे, क्या हो जाएगा, हेप्टोज हो जाएगा। अगर हमारे पास आठ कार्बन से हम उसको कहेंगे आक्टोज, उसके बाद नोनोज कह सकते हैं। तो ये क्लासिफाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से। अब जो हमारे पास मोनोसेक्राइड्स में जो टॉपिक पढ़ाया जाता है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो दो में से पूछे जाते हैं, एक ग्लूकोज में से, एक फरक्टोज में से। क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फरक्टोज, ग्लूकोज में और फरक्टोज में डिफरेंस क्या होता है। देखें ये डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, किस में से, एक ग्लूकोज में, एक फरक्टोज में। पहले हम बात करते हैं ओपन चेन की। ये हमने शेप लिखा है किसका, ग्लूकोज का, कौन सा, ये शेप, और ये शेप हमने रखा है फरक्टोज का। इन दोनों में डिफरेंस होता है फंक्शनल ग्रुप का, बाकी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर सेम। कौन सा आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर से ना बाबा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, कि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप कनेक्टेड है, इसके अंदर कीटोन ग्रुप कनेक्टेड है। आप इसको पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोज कहते हैं, आप इसको पॉलीहाइड्रोऑक्सी अल्डोज कहते हैं। इट मींस के हेग्स अल्डोज हो गया, इट मींस के ये हेग्स कीटोज हो गया, ये इनके अंदर डिफरेंस होता है। ये दोनों के दोनों क्या है, एक मोनोसेक्राइड से। ये इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी बनता है, जो ये ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का है। दोनों में क्या है डिफरेंस हमारे पास, जस्ट एक फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होता है, कि इसके अंदर छः कार्बन, इसके अंदर पाँच कार्बन्स होते हैं। एक तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों में, जो फ्रक्टोज, और दूसरा क्या होता है, ग्लूकोज होता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसेक्राइड्स की। मोनोसेक्राइड्स की प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं, प्रॉपर्टीज़ भी आपसे पूछ सकते हैं ना, कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताएं क्या होगी। नंबर वन पॉइंट्स, दी आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, हमेशा बात याद रखें, जैसे ग्लूकोज देखते हैं, जिसे फरक्टोज देखते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दो सॉलिड्स व्हिच हैव अ फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप, जिनका होता है, आप उनको नाम देते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, जिनके पास एक फिक्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होती है, जिनका एक स्ट्रक्चर्स क्या होता है कि मजबूत होता है, उनको हम नाम देते हैं किसका, एज एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का नाम देते हैं। दूसरा क्या है, दी आर सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि इनके अंदर पोलरिटी है, क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप कनेक्टेड है, और दूसरा ये कीटोन सल्फाइड ग्रुप वाला भी पोलर ग्रुप है, तो इस वजह से ये एक पोलर बॉन्ड्स हैं। पोलर क्या होता है, सॉल्युबल होता है, वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, जैसे ये शुगर ग्लूकोज मिक्स करते हैं वाटर में, आप पीते हैं, पीने के लिए यूज़ करते हैं, ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है वाटर के अंदर, क्योंकि दोनों के दोनों पोलर हैं, पोलर पोलर में सॉल्युबल होता है। दी आर इन स्वीट टेस्ट, ये क्या होते हैं, स्वीट टेस्ट होते हैं, जैसे आप केक वगैरह खाते हैं, आप मक्खन वगैरह खाते हैं, आप बिस्कुट जो वगैरह खाते हैं, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ही तो होते हैं, इनकी जो टेस्ट होती है वो बिल्कुल क्या होती है कि स्वीट टेस्ट होती है। उसके बाद दी आर रिड्यूसिंग नेचर, दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, एक कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर, एक कहलाते हैं रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर आप किसको कहते हैं, वो कंपाउंड्स जिन कंपाउंड्स में खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, दूसरे को रिड्यूस करवाते हैं, आप उनको नाम देते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का नाम देते हैं, तो हम इनको यूज़ करते हैं, रिएक्शंस करवाते हैं, रिड्यूसिंग तौर पे यूज़ करते हैं। उसके बाद दी आर नॉन हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस, हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउंस, जो वाटर में रिएक्शंस करके ब्रेकडाउंस हो जाते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो मोनोसेक्राइड्स जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, सारे के सारे नॉन हाइड्रोलाइसिस होते हैं, वाटर के साथ कभी भी रिएक्शंस नहीं करते। देखें जो शुगर मॉलिक्यूल्स से मोनोसेक्राइड्स नहीं है, वो रिएक्शन करता है वाटर के साथ, रिएक्शन करते हैं, मिलाते हैं, तो उसमें से दो चीज़ें बन जाती है, एक बनता है ग्लूकोज, एक बनता है फरक्टोज। इस वजह से कहा जाता है कि शुगर कम से कम यूज़ किया करें, क्योंकि वो प्रोडक्ट दे रहा है, और वो प्रोडक्ट्स हमारे लिए सेहतमंद के लिए, बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं होते वो ज़्यादा अमाउंट में, लेकिन ये जो होता है वो प्रोडक्ट्स नहीं देता। इस वजह से आप इनको आसानी से यूज़ कर सकते हैं, ग्लूकोज यूज़ कर सकते हैं, फ्रक्टोज यूज़ कर सकते हैं, पेंटोज ट्राइओज टेट्रोज जो होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं आप एज एनर्जी तौर पे, क्योंकि ये एज एनर्जी तौर पे यूज़ होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, एक हमारे पास एनर्जी है, जो एनर्जी हम यूज़ करते हैं किसके लिए, बॉडी के लिए तो यूज़ करते हैं बाबा,
तो इस वजह से ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे किसको, डायसेक्राइड्स को, ओलिगोसेक्राइड्स को, जो हमारे पास ये पॉलीसेक्राइड्स हैं, इन पूरे तीनों टर्म्स को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कन्फ्यूज़न, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ओके।